कोई भी जो अनपढ़ होगा वो भी नहीं चाहेगा कि मेरे देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री झूठ बोले, स्टेज पे कुछ बोलते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ होता है। 24 घंटे के भीतर ही वो भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री हैं, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री हैं, भगौड़ों को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसा कोई अत्याचारी अन्यायी बताओ जिसे मोदी जी ने अपने 10 साल के अंदर संरक्षण नहीं दिया, या एक भी ऐसा बताओ जिसके ऊपर मोदी जी ने केस किया हो, जो भ्रष्टाचारी लुटेरी सरकार थी। बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, जो भ्रष्टाचारी लुटेरी सरकार थी कांग्रेस की, उसके शासन में जिन मंत्रियों पर 2G कोयला और खनन में जिन आरोप लगे थे, उनको भ्रष्टाचारी लुटेरी सरकार ने, मोनी बाबा ने, मनमोहन सिंह को मोनी बाबा बोलते, उसने उनसे इस्तीफा लिए, पार्टी से निकाला और जेल भेजा। और मोदी जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर निकाला, सबको राज्यसभा भेजा, मंत्री बनाया, लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, राज्य सीट लड़ा रहे हैं, और सबको जो बीजेपी वोट नहीं देंगे। बीजेपी को मैं क्या, कोई ही नहीं देगा वोट, जभी तो वो घबराए हुए हैं, जभी तो बोलना है कुछ और बोलते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बोलना कुछ है। भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरी मिली आपको मोदी जी के राज में? नौकरी एक छोटा सा व्यंग करूंगा जो इस समय मोदी जी की सरकार में चल रहा है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे नई शर्ट दिलवा दो। तो पापा कहते हैं, जूता दिलवाया है ना। तो फिर से बेटा कहता है अपने पिता से कि पापा चलो मुझे पैंट दिलवा दो। तो कहता है, जूता दिलवाया है ना। फिर कहता है, चलो पापा बेल्ट दिलवा दो। कहता है, जूता दिलवाया है ना। तो ठीक उसी तरह अगर आज आदमी से किसी से भी पूछा जाता है ना, सरकार से या उनके नेताओं से, भाई रोजगार कहाँ है, तो राम मंदिर है ना। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई व्यापार कहाँ है, राम मंदिर है ना। ठीक है, भुखमरी परेशानी कहाँ है, राम मंदिर है ना। तो उनसे मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, बड़े प्यार से कह देना चाहता हूँ, भूखे पेट भजन नहीं होते गोपाला। दूसरी बात, अगर मेरे पास रोजगार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, जेब भरी नहीं होगी, तो भगवान के मंदिर में मैं घी का और तेल का दिया जलाऊंगा कैसे, प्रसाद बांटूंगा कैसे, भंडारे कैसे करूंगा और यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करूंगा। रोजगार मिला होगा ना, 14 में ही मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिला होगा, आप में योग्यता नहीं होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि योग्यता बिल्कुल हमारे देश के अंदर शायद किसी के पास नहीं होगी, तभी लोग बेरोजगार हैं। उनके ये सारे जुमले हैं, बेकार की बातें हैं। उन्होंने कई जुमलों को बोला कि वो जुमले थे और कई बातों को वो बोल नहीं पाए। एक्सेप्ट करेंगे वो 2024 के जो इलेक्शन जो सर पे चढ़ा है, इसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है। जी, गलती हुई मोदी जी, बिल्कुल हुई है। कैसे नहीं हुई, अगर ये नहीं हुई होती गलती तो उन्हें एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगती, लेकिन वो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं। 9 राज्यों के अंदर उनकी जमानत जब्त होने की कगार पे खड़ी है, 3 राज्य में तो वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। वो इस बात पे कह रहे कि वहाँ के क्षेत्रीय दलों को हम समर्थन देंगे। इस समय कोई मुद्दा उनके पास है किससे? आपकी बार 400 पार कर रहे हैं, वो मुद्दा ही मुद्दा, वो 400 का बवाल इसलिए लाके दे रहे हैं कि उनकी 303 सीटें नहीं आ रही हैं, अल्पमत में बैठे हुए हैं वो, बहुमत तो बहुत दूर की बात है। एनडीए कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि उनकी कई सीटों पे जमानत जब्त होगी। अपनी वो अयोध्या की सीट हारे जा रहे हैं इस समय मोदी जी। फिर इतना विकास कह रहे कि भारत का नाम जो है दुनिया में हो रहा है, मोदी जी दुनिया में जाते, विश्व के नेता मोदी जी से गले मिलने जाते, कभी ऐसा हुआ था आज के बाद अलावा कभी हुआ? नहीं, मोदी जी गले मिलने की तो उनपे विख्याता है, वो पट्ट से पहुंचते हैं, बिरयानी खा के चले आते हैं। ठीक है, मोदी जी सा पलटू आदमी कोई नहीं है। उन्होंने एक कसम खा रखी है, एक आदमी को कह रखा कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाना ही तो मेरा कर्तव्य है सेठ जी। वो आदमी तो सबको पता है कि कौन है, अडानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अडानी की बात कर रहे, वही उनके सेठ जी और कौन हो सकते हैं। जी बोलते थे, मैं चाय बेचने वाला हूँ, गरीब हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, गरीब जनता के लिए काम करूंगा, एक बार मौका दो देश का कायाकल्प कर दूंगा, 10 साल हो गए। एक बात समझिए सीधी सीधी कि मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करते थे, चाय बेचने वाला उनका बात जुमला है। वो सिर्फ एक चीज जानता हूं मैं, अगर पड़ोस में पाकिस्तान और भारत में मुसलमान नहीं होता तो वो उसी स्टेशन पर चाय बेचते जहां पर उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। की बार 400 पार का जो नारा दे रहे, कितनी हकीकत? 400 पार का नारा एक वोटर के नाते बता दूं, ऊंची खाट फटा लंगोट, ऊंची काट फटा लंगोट, देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था फटी बनियान की जगह शर्ट आएगा, मुझे क्या पता था कि मेरा पतलूम भी उतर जाएगा। ठीक है, वोट दिया था इससे पहले? बिल्कुल दिया था, 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया था। हमने सोचा कि 5 साल ये विफल रहे हैं तो कोई रीजन रहा होगा, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार रही होगी। लेकिन जब 19 में भी विफल हुए तो बस अब समझ आ गया कि इनके बस की नहीं है, इनमें कोई दमखम नहीं है, सिर्फ ये जुमले करेंगे और रोजगार एक आदमी को देंगे। इनके पास इनका सिर्फ 2 ही लोगों का परिवार है। जी, 140 करोड़ मेरा परिवार, 140 का परिवार नहीं, इनके सिर्फ 2 लोगों का परिवार है, एक ये खुद और एक इनके उद्योगपति मित्र, और कोई नहीं है। इस बार चुनाव में किससे उम्मीद?
अब की बार चुनाव में हमें सीधे सीधे राहुल गांधी से उम्मीद है। गांधी भी सड़कों पर चले, सबकी बातें सुनी, आप जैसे लाखों युवाओं से वो मिले। उसके बाद एक न्याय पत्र बनाया गया जिसमें कहा गया कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, जितने सरकारी पद खाली हैं वो सारे भरे जाएंगे। विश्वास है कांग्रेस की स्वाधीन? बिल्कुल विश्वास है। कहते हैं ना कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के परिवार से नहीं, प्रधानमंत्रियों के परिवार से है। वो व्यक्ति एसी कमरे को छोड़ करके, एसी गाड़ी को छोड़ करके सड़कों पे लोगों के भविष्य के लिए परेशान है, लोगों के मुद्दों पे बात कर रहा है। अगर आज के टाइम में अगर हम जनता होकर के ये बात बिल्कुल स्वीकार हमें करनी चाहिए कि हमें किसी का नहीं होना चाहिए, हमें न्यूट्रल होना चाहिए, जो हमारे भविष्य की बात करे, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करे, जो हमारे मानसिक, हमें मानसिक अपाहिज बनने से रोके, उस आदमी का हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस आदमी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर उल्टा अगर भाजपा के लोगों को देखा जाए, अगर वो कोई यात्रा कोई रैली कर रहे होते हैं तो ऊपर उनके एसी पंखे लगे हुए होते हैं, फवारेदार उनके कूलर लगे हुए होते हैं, तब वो रोड पर चलते हैं। नितिन गडकरी जी का एक अभी वीडियो और फोटो वायरल भी हुआ था जी। मोदी जी तो कह रहे थे ना, बहुत गरीब हूं, बहुत मेहनत से काम किया, गरीबों के लिए काम करूं, और युवाओं की तो बात आज भी करते हैं। अभी आपने कल परसों वीडियो देखा होगा, उनका एक वीडियो आया गेमर्स के साथ, जो तमाम बड़े बड़े गेमर्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं गेम वाली, उनसे मोदी जी मिले हैं। उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये जान रहे बताओ। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री देखा है, हर वर्ग से मिल रहे हैं, वो समाज की सोच को इतना कुंठित कर रहे हैं, इतनी सोच को कुंठित कर रहे हैं। जो मैं मानता हूं कि वो इन्फ्लुएंसर थे, लोगों ने उन्हें फॉलो कर रखा था, अच्छी चीज़ों को देखने के लिए फॉलो कर रखा था, लेकिन आज वो जो उन्होंने कंटेंट क्रिएटर को अवार्ड दिया, वो सीधा सीधा ये इसलिए अवार्ड दिया कि अगली बार भी अवार्ड लेना है तो मेरे बारे में दिखाते रहो, उसी बात पर मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊँगा। वो तो उन्होंने स्कैम किया, आज निकल वो भी खुलेगा। न्याय पत्र को मुस्लिम लीग का बोल रहे हैं, छाप आ रही है इसमें, कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं मोदी जी? ये वो बौखलाए हुए हैं, कह रहे ना उनको पैर, उनकी बातों पे पैर जमीन पे नहीं है। आप फिर से समझिए कि वो इस बातों से, क्योंकि जो क्या कहते हैं 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं, वो साफ साफ बता रही हैं कि वो जनता के हक में है। और मोदी जी ने ऐसा कुछ किया तो है नहीं, जनता के पास उनके जब बीच में जाने के लिए कुछ है नहीं। वो अपने विधानसभा, अपने अपने लोकसभा से वो खुद नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ के आई टी सेल और वहाँ के कार्यकर्ता हैं, खाली बूम बनाए बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है वहाँ कहीं उनकी जमानत जब्त ना हो जाए। 2047 में विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं मोदी जी? मालिक मैं इस समय अगर 30 साल का युवा हूँ, ठीक है, और 2047 तक मेरे दांत और बाल कुछ नहीं बचेंगे, मालिक मेरे को आज ये रोजगार दीजिए, मेरे बच्चों को नहीं, मुझे रोजगार देंगे तो मैं बच्चों को पढ़ा भी पाऊंगा और उन्हें कुशल रोजगार और व्यापार दे पाऊंगा। नहीं रहा रोजगार, कैसे मिल रहा है, कैसे, किस तरह से मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आप दिखाइए ना। 83% एक सर्वे के अंदर बेरोजगारी दर आई है, वो सर्वे बेकार हैं, जो इनके खिलाफ बात करते वो बेकार है। सबसे बढ़िया बात कहते चले जाओ पाकिस्तान, इनके फूफा बैठे वहां पर एम्बेसी में कि पाकिस्तान का वीजा बांट रहे हैं, दे हमें अमेरिका का वीजा। अरे वैसे ही देखते तो बच्चों को दे जाके पढ़े वो अमेरिका के अंदर, 5 किलो राशन बांट रहे हैं, रोजगार दें, अच्छी शिक्षा दें, कह दे कि पसारे स्कूलों की फीस हम माफ करवाते हैं, सरकारी की करवा दे, प्राइवेट में तो इनके बस की नहीं है, इनके उद्योगपति मित्र बैठे हुए हैं। 5 किलो राशन 80 करोड़ को दिया, कभी किसी ने दिया? तो मालिक ये चेक करना चाहिए ना, ये दुर्गति है ना भारत की, कि 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिया है, 5 किलो राशन का मोहताज बना दिया है। अगर आदमी काबिल होता, पढ़ाई लिखाई के लायक होता तो वहां तक पहुंचता नहीं पहुंचता। बिल्कुल रोजगार है, पर वो पकौड़ा इनका जैसा क्यों नहीं तलता है, उनका जैसा क्यों नहीं तलता है, उनका पंकज सिंह क्यों नहीं तलता है, मैं और आप ही क्यों तलें, आपके स्टूडियो के बाहर बैठ के मैं ही क्यों पकौड़ा तलूं, वो क्यों नहीं तलते हैं, हम उनकी रैलियों में हम ही क्यों जाएं, वो क्यों नहीं जाते हैं? देखा है कहीं आपने जैसा को किसी रैली में, कहीं देखा हिंदुत्व का नारा लगाते हुए, कहीं देखा किसी मस्जिद के और मंदिर के पीछे लड़ते हुए? कहीं नहीं देखा होगा मालिक, एसी के अंदर बैठा हुआ देखा होगा, बैट पकड़ने नहीं आता, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। मोदी जी इस देश को ये बताना चाह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, जितने सालों कांग्रेस की सरकार रही देश को लूटा, भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया, पूरा भ्रष्टाचार कर दिया, देश को खोखला कर दिया, मोदी जी 10 साल से देश को संभाल रहे हैं, वही संभाल पाएंगे और किसी के बस की बात है नहीं। इनकी आदत है अगर भारत के अंदर कुछ भी हो जाता है तो वो नेहरू जी ने किया था, अगर कोई रोजगार पे बात कर लेता है तो उसे पाकिस्तानी बोल देते हैं, अगर कोई इनसे बात मतलब किसी भी मुद्दे पे बात करे तो ये सीधा नेहरू और गांधी परिवार पे पहुंच जाते हैं। भाई मेरे तुम 10 साल, ये बार बार कहते हैं कि एक कुपोषित होता है, एक बच्चा कुपोषित, अगर एक माँ के पास कुपोषित बच्चा आता है ना, 10 साल के अंदर उसे खिला पिला के हट्टा कट्टा मुस्टंडा बना देती है। ये 10 साल के अंदर भारत की सोच को कुंठित कर चुके हैं, हर आदमी के अंदर, हर युवा के अंदर ये भर चुके हैं कि भाई बस इस वर्ग से तुम नफरत करो, इस वर्ग से तुम नफरत करो, असल जातिवाद इन्होंने पैदा किया है। तानाशाह बिल्कुल लागी हुई है, जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, आप और मैं बोल रहे हैं, हो सकता है आपका चैनल चला जाए, हो सकता है मैं जेल में चला जाऊं, इनके खिलाफ सवाल करने वाला आदमी या तो ईडी के गिरफ्त में आ जाता है या कि पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है या सोशल मीडिया के इनके भक्तों के गिरफ्त में आ जाता है, गाली मिलने लगती है। ईडी का आपने सवाल किया, सीबीआई का सवाल किया, जिक्र किया चुनाव से पहले, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, वो तो कह रहा भ्रष्टाचारियों को समोट रहा हूं मैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, इसलिए ईडी एकदम ईमानदारी से काम कर रही है, उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं।
भाई साहब मैं एक बात साफ कहता हूँ, ईडी का ड्राइवर भी जो ईडी के ऑफिसर का ड्राइवर है ना, वो भी ना गाड़ी तेज चलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसके घर पे रेड मारे ना वो जा करके भाजपा ज्वाइन कर ले। और फिर अधिकारी कहता तेरे से कहा था ना कि गाड़ी तेज चलाकर इसने बीच भी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हम लेट हो जाएंगे, हमारी ड्यूटी दिखेगी नहीं हमारे साहब को। तो भैया वो तो सिर्फ इस समय एक पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, न्यायपूर्ण कोई काम नहीं हो रहा है। जो धांधलेबाजी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, इनके पार्टी में आते ही वो एकदम साहूकार हो जाता है। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी मुझसे मेरा ताप सहन नहीं कर सकता, डिप्टी सीएम बना रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, अपने पार्टी में बीजेपी कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। एक वक्त था जब मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी बना। तो भाई ये तो उनके कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि दरी उनसे बिछवाएंगे, चटाई उनसे लगवाएंगे, कुर्सी उनसे लगवाएंगे, पानी उनसे पिलवाएंगे, टिकट किसी और को देंगे, विधानसभा लोकसभा ठीक है प्रधानी क्षेत्र के अंदर उनसे काम करवाएंगे और टिकट किसी और को देंगे। ये तो उनके कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। जागो कार्यकर्ता जागो, इस समय तुम्हारा भी भला नहीं हो रहा है, तुम्हारे साहब किसी और को दे रहे हैं। चुनाव से पहले जहाँ विकास की बात होनी चाहिए, जहाँ देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, वहाँ मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष वाले देखो मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं नवरात्रि। अब उस पर भी तो ट्रोल हुए हैं, वो पोस्ट पुरानी है दादा, उस पर टाइम और डेट लिखा हुआ है, ये देखते क्यों नहीं है। बट ट्रोल करने से मतलब है भाई, वो कुछ भी कर रहा है, तुम बताओ ना 10 साल से तुम क्या कर रहे हो, तुम ये बताओ ना कि मैं क्या देने वाला हूँ। किसी का मैनिफेस्टो पढ़ा है जो ये कह रहा मैं आपकी बार आऊंगा तो ये करूंगा? अरे भाई पहले एक बार ये तो बताओ, मैं 10 साल से इतनी बार हूं। अगर आप क्रिकेट मैच भी देखते ना दादा, तो आपको पता होगा आपके पिछले मैचों की परफॉर्मेंस को देख के आगे के मैचों में आपको रखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस है नहीं। अरे आपकी बार चांस दो, मैं आपकी बार शतक मारूंगा। अरे वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ वो एक आदमी को करोड़पति अरबपति और जितनी जीरो है ना उसे खत्म करने में लगे पड़े। टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं? टीवी वाले बिके हुए हैं भाई साहब, उनके पास टीआरपी आ रखी है, उनके पास पेमेंट आ रखी है, ऑडियंस भी ऑडियंस उनकी है, सब कुछ उनका है। इस समय आप मुद्दा खोल के देख लो, किसी भी चैनल को खोल के देख लो, आपके बारे में कोई बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है, वो सिर्फ बात कर रहे हैं। 18 घंटे न्यूज चैनल चलती है, 18 घंटे न्यूज चलती है, उसमें से 16 घंटे मोदी जी आते हैं। हर घर का मेरी नजर में तो जो टीवी चैनल है ना, जितने भी न्यूज चैनल है, वो इस समय भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं। कितनी सीटें बीजेपी की? मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा पे जमानत जब्त है, कि जब वो लोगों के अभी लोग ना साइलेंट हुए पड़े हैं, डरे पड़े हैं कि गलती से मैंने इनके खिलाफ बोला तो कहीं मैं जेल में ना भेज दें, ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई और कोई व्यापारी खुल के नहीं बोल पा रहा है, डर का माहौल है। बिल्कुल चंदा, ये बिजनेसमैनों के ठेकेदारों के चंदा मामा बने पड़े हैं। एक अभी आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा, उसका पूरा ट्रैक बना पड़ा है, पूरा ट्रैक बना पड़ा है कि इधर से ईडी की रेड मारो, उधर से उससे चंदा लो, इधर से उसे बरी करो, फिर उधर से धंधा दो, ये पूरा ट्रैक बना पड़ा। और इस पे मैं ये सोच रहा हूं कि कोर्ट क्यों नहीं इस पे संज्ञान ले रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे संज्ञान तो ले लिया लेकिन इस पे संज्ञान कब लेंगे? तो अब की बार बीजेपी की सरकार युवा नहीं, अब की बार बीजेपी 50 भी नहीं पा रहा है और मोस्टली सीटों पे उसकी जमानत जब्त है, ये बात मान लीजिए, लिख लीजिए, फिर मिलेंगे आपसे 4 जून को। एक बात मान लीजिए, 4 जून को 7 लोक कल्याण मार्ग खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहां भेज रहे हैं मोदी जी को? गुजरात में ही जाएंगे, गुजरात का अगर उनका मॉडल लें, उनके मैं नंबर नहीं बताऊंगा, गुजरात के अंदर ऐसे कई स्कूल हैं, गूगल कर लो भाइयों, गुजरात के ऐसे कई स्कूल हैं जो सिंगल क्लासरूम के स्कूल हैं। आप गुजरात मॉडल बताते हैं, उसको गुजरात मॉडल बताते हैं। मोदी जी का क्या चल रहा है? बिल्कुल जनता जान चुकी है और जाग चुकी है, उन्हें बहकाना फुसलाना इतना आसान नहीं होगा। कि मोदी जी ने ठीक नहीं किया? नहीं ठीक नहीं किया, देखो यही कह रहे हैं, हम तो रिटायर आदमी हैं, यही है युवा है, यही बोल रहा है कि 10 सालों के मुझे धक्के खाते हुए, हम तो नहीं कह रहे, यही लोग बोल रहे हैं, यही युवा है, यही देश की अगली पीढ़ी है, यही हमारा भविष्य है, तो जो हमारा भविष्य जो कह रहा है हम तो वो देखेंगे ना। लग रहा है वाकई में युवाओं को मोदी जी ने कुछ नहीं किया? ये कह रहा है तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। जिस देश में 80 करोड़ आदमी सरकारी राशन पर पल रहा हो, वो देश दुनिया में तरक्की कहाँ कर गया, हमारी समझ में नहीं आया। मोदी जी कह रहे डंका बज रहा है, वो मोदी जी का डंका तो कहीं भी बजा लो, डंका बजाने में क्या, वो मना थोड़ी कर रहा है डंका बजाने के लिए। आपकी बार 400 नहीं, वो तो 4000 पार कर लेंगे, वो तो 4000 पार कर लेंगे, वो दूसरे ने कहा, उसने मोदी जी ने कहा कि अगली बार 400 पार, तो सामने खड़ा था उसने कहा 4000 पार, तो मोदी जी कह रहे ये क्या बकवास है, कह रहा शुरू किसने करी है, आज 400 छोड़ो, आज 4000 पार करो। इन बेरोजगारों को, इन गरीबों को, इन बच्चों को, बेचारों को जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, इनको नौकरियां दो, 400 पार छोड़, जितनी मर्जी पार करते रहो, महंगाई पे कंट्रोल करो, बेरोजगारी को देखो। वह महंगाई बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल दिख रहा है? नहीं बिल्कुल, आपको ही पता होगा, आप देख लो, मेरे को तो अच्छे खासे हैंडसम स्मार्ट लड़के लग रहे हो, कितनी सैलरी मिल रही है बताओ ना, क्या मिल रहा है? कि YouTube का चैनल चला रहे हो, व्यूज आएंगे,
कोई देगा तो आपको कुछ मिलेगा, आपकी कोई परमानेंट जॉब तो है ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं मिलना। तो ये है देश का युवा, ये है उसका भविष्य, और कुछ नहीं। और क्या है, सामने दिख रहा है, अभी वो बच्चा बोल के गया है और आप सामने खड़े हो, एक ये खड़ा हुआ बेचारा। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 65। 65 साल की उम्र में ऐसा प्रधानमंत्री देखा आप? नहीं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ठेस पहुंचाई। एक गठबंधन है जिसका पूरा नाम बनता है इंडिया, आपने उसमें से ए हटा करके हमारे प्रधानमंत्री जी इंडी इंडी कह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। आप किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, आपको अनादर नहीं करना चाहिए, आदरणीय सीट पे। जब आप ही ऐसा बोलोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर? वो बड़े बड़े मंचों से देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का मखौल उड़ाते हैं, बोलते हैं कुछ किया ही नहीं उन लोगों ने। नहीं, कुछ नहीं करा, ये सच्चाई है। अपने बाप दादाओं से पूछ के देखना, नंगे घूमते थे, हम भी उनमें थे, हाथ में डंडा होता था, पेड़ के पत्ते बंधे होते थे, कहीं बकरी ना खा जाए। तो ये तो सब 2014 के बाद ही हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था देश में, कुछ भी नहीं था। ना ना ना, मोदी जी सब बिल्कुल वही लेके आए हैं, उन्होंने ही देश बनाया, और कुछ नहीं था। भगवान राम को भी वही लेके आए, पहले तो भगवान राम था ही नहीं, पता नहीं मेरा दादा मर गए थे, राम नाम सत्य कह रहे थे, पता नहीं वो झूठ कह रहे थे, क्योंकि राम जी तो आए। हमें जो भगवान को ला सकते हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 400 छोड़ 4000 पार। परेशान है मोदी जी? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें तो इनको देख रहे हैं हम तो, क्योंकि हमारे को तो इन्होंने करना है ना, ये हमारे बच्चे हैं, ये कमा के देंगे, हम थोड़ी इस उम्र में कमाएंगे, अब ये कमा के देंगे, इनको कुछ मिलेगा खाने के लिए कमाने के लिए, तो ये हमें भी कुछ देंगे। जब यही हमारी तरफ हाथ फैला रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा लग रहा है इस देश में अभी टीवी पे कुछ और दिखाया जा रहा है, जमीन पे हकीकत में कुछ और? जमीन में हकीकत तो हम लोग देखते हैं सारा दिन घूम के, टीवी पे तो टीवी देखते ही नहीं, टीवी देखते ही नहीं, टीवी पे तो सारे बिके हुए एंकर सब कुछ है, सारा कुछ सामने नजर आता है कि एक प्रवक्ता बैठा हुआ साथ में एंकर बैठा हुआ, ऐसा लगता है दो प्रवक्ता है। सवाल उनसे, हर चीज का जवाब उनसे ही मांगा जाता है, खुद जवाब देना है, जो सरकार है जवाबदेही उसकी है, मगर वो सवाल ये है कि जवाब विपक्ष को देना पड़े। ये बताइए, मोदी जी ने कहा था सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, तेल चीनी राशन सब सस्ता हो जाएगा, हर आदमी के सर पे छत होगी, सब बढ़िया हो जाएगा। नहीं, जो बीजेपी के भक्त हैं जिन पर भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है उनको 450 का सिलेंडर मिलता है, हमारे घर में तो 900 कुछ का ही आता है, पहले 1200 का आ रहा था, फिर 1100 हो गया, फिर 900 हो गया, पता नहीं 800 बताते हैं बच्चे, पता नहीं 100 रुपये घटा दिए, नहीं कुछ घटा दिए कुछ बढ़ा दिए। कोरोना के अंदर हमारे को जो मिलती थी सीनियर सिटीजन को रेल के अंदर, मोदी जी ये कह रहे हैं कि ईडी का पैसा जो वसूला है भ्रष्टाचारियों से आप सब में बांट देंगे। कितना बांट देंगे? पहले वाला कहाँ बांटा? नहीं पता लगा। कौन सा? मेरे घर में आ जाता तो बात ही क्या थी, फिर मैं यहाँ थोड़ी खड़ा होता, मैं भी किसी आराम से जाके एयर कंडीशन में बैठा होता, आपके घर शायद आया होगा या इनके आया होगा, ये भी हमारे मलिक भाई हैं, तो आया नहीं, आया नहीं। आपकी बार क्या लग रहा है? नहीं, मुश्किल है, नहीं, पब्लिक परेशान है। देखो सच्चाई को अगर आप देख करके चलोगे तो परेशान है पब्लिक, परेशान है, युवा बोल रहा है बेरोजगार है तो पब्लिक परेशान है। परिवर्तन होना चाहिए, होना भी चाहिए। दे दिए 10 साल बहुत है बस। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका